हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं बींग यूनिक टीवी। मेरा नाम अनवेश, आप सभी को स्वागत करता हूं वह फिर से एक अच्छा नए वीडियो पे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूं वो आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा। चलिए दोस्तों थोड़ा डिटेल्स में बता देता हूँ। अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो दोस्तों आपको आपके काम के हिसाब से बहुत सारे एप्लीकेशंस इंस्टॉल करना पड़ता है अलग अलग से आपके स्मार्टफोन में। इससे क्या होता है दोस्तों, अलग अलग एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से आपका फ़ोन का मेमोरी फुल हो जाता है। यानी कि दोस्तों अलग अलग एप्लीकेशन, मान लीजिए आपको फ्लिपकार्ट इंस्टॉल करना है, अमेजोन इंस्टॉल करना है, तो दोनों एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो दोनों का अलग अलग मेमोरी होता है। जैसे कि फ्लिपकार्ट का मान लीजिए 30 MB का हो गया या अमेजोन का 20 MB का होगा। इससे दोस्तों आपको 50 MB का मेमोरी फुल हो गया फ़ोन से। तो ये तो हो गया दोस्तों एक शॉपिंग ऐप रिलेटेड एग्जांपल। मान लीजिए दोस्तों आपका सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, फेसबुक पे अकाउंट है, ट्विटर आप हैंडल करते हैं, टिकटॉक आप चलाते हैं, व्हाट्सएप आप चलाते हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ता है, सारे एप्लीकेशन को अलग अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है आपके फ़ोन में। तो इससे क्या होता है दोस्तों, आपका फ़ोन का स्टोरेज बहुत ही कम हो जाता है एंड बहुत ही कम होने के वजह से स्टोरेज आपका फ़ोन स्लो हो जाता है एंड आपको बहुत सारे परेशानी झेलने को पड़ता है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये सारे चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ जो आपको पहले से पता है। तो दोस्तों मान लीजिए ये सारे एप्लीकेशन आपको एक ही एप्लीकेशन में मिल जाए, इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे काम के एप्लीकेशन जो आप इंस्टॉल नहीं किए हैं और बहुत सारे यूज़फुल एप्लीकेशन जो आपका रेगुलर काम में आता है, वो सारे एप्लीकेशन अगर आपको एक ही एप्लीकेशन में देखने को मिल जाए एंड खास बात ये है कि वो एप्लीकेशन आपको सिर्फ 5 MB में देखने को मिल जाए, तो क्या होगा एंड आपका जो मेमोरी है फ़ोन का वो कितना सेव हो जाता है एंड आपका जो काम है जैसे कि व्हाट्सएप चलाना है, फेसबुक चलाना है या शॉपिंग करना है फ्लिपकार्ट अमेजोन मिंत्रा से, बहुत सारे चीज़ दोस्तों आपका आसान हो जाएगा एंड मेमोरी आपका सेव हो जाएगा, बहुत सारे मेमोरी सेव हो जाएगा क्योंकि ये सारे एप्लीकेशन आपको एक ही एप्लीकेशन में मिल जाएगा वो भी 5 MB में। तो दोस्तों अलग अलग से एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मुझे पता है आप लोगों को बिलीव नहीं हो रहा होगा, इसलिए दोस्तों मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स में बता देता हूँ वो एप्लीकेशन के अंदर जाके। तो दोस्तों और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो एप्लीकेशन के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो एप्लीकेशन ये वीडियो को स्पॉन्सर नहीं किए या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये वीडियो को स्पॉन्सर नहीं किए। ये एप्लीकेशन मैं खुद यूज़ कर चुका हूँ और मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर कर लेना चाहिए, आपको भी थोड़ी सी मदद मिल जाएगा। तो देर नहीं करते दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम अनवेश, आप सभी देख रहे हैं बींग यूनिक टीवी यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो दोस्तों आपके फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन कीजिए। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद स्मार्ट किट 360 एप्लीकेशन को सर्च कर लीजिए। तो दोस्तों फिलहाल स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं स्मार्ट किट 360। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन को आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है आपके फ़ोन में। आप देख सकते हैं दोस्तों 5.4 MB का यह एप्लीकेशन है, 4.6 रेटिंग इस एप्लीकेशन का मिला है एंड खास बात यह है कि दोस्तों ये बहुत ही ट्रस्टेड है क्योंकि 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हो चुका है अभी तक। तो चलिए दोस्तों जल्दी से ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 5.42 MB का एप्लीकेशन है, बहुत जल्द इंस्टॉल हो गया क्योंकि मेरा नेट स्पीड थोड़ा ज़्यादा है आज। तो चलिए इंस्टॉल करके मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। चलिए एप्लीकेशन को फिलहाल ओपन करते हैं। तो दोस्तों ओपन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको परमिशन मांगा जाएगा, आपको सिंपली अलाउ कर लेना है। इसके बाद दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपके सामने है सारे काम का एप्लीकेशन, आप देख सकते हैं बहुत सारे एप्लीकेशन का नाम भी आपको पता नहीं होगा। बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे भी है दोस्तों काम का एप्लीकेशन है लेकिन आप यूज़ नहीं कर रहे हैं मेमोरी स्टोरेज के वजह से। दोस्तों सारे एप्लीकेशन आपको ये एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों ये होम स्क्रीन पर इतना अवेलेबल है। यहाँ पे दोस्तों कुछ खास खास एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ जो होम स्क्रीन पर फिलहाल अवेलेबल है। फिलहाल दोस्तों आप देख सकते हैं नोटपैड है, ट्रांसलेटर है, डिक्शनरी है दोस्तों, एक्सरसाइज रिलेटेड एप्लीकेशन है दोस्तों, फाइल मैनेजर भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्लीनर भी आपको देखने को मिल जाएगा, बैटरी सेवर, कैलकुलेटर, ये सारे बहुत सारे एप्लीकेशन जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं दोस्तों ये सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों राइट साइड ऊपर आपको एक मेन्यू देखने को मिल जाएगा। अगर आप मेन्यू पे जाएंगे दोस्तों आपको बहुत सारे कैटेगरी वाइज शो करेगा कि आप क्या एप्लीकेशन नीड करते हैं, जैसे कि ऑल सोशल मीडिया हो गया, ऑल वर्ल्ड न्यूज़ हो गया, ऑल शॉपिंग रिलेटेड एप्लीकेशन हो गया, बहुत सारे कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिल जाएगा।
मान लीजिए दोस्तों आपको सोशल मीडिया रिलेटेड एप्लीकेशन चाहिए तो अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सिंपली आपको ऑल सोशल मीडिया कैटेगरी पे जाना है इस एप्लीकेशन थ्रू। उसके बाद दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल प्लस है, लिंक्डइन भी है दोस्तों, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, इस तरह से दोस्तों बहुत सारे एप्लीकेशन है। आप यहाँ से डायरेक्टली हैंडल कर सकते हैं, आपका जो भी सोशल हैंडल आप करते हैं बहुत सारे अकाउंट आप यहां से हैंडल कर सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए आपको न्यूज़ रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन चाहिए, इसके लिए दोस्तों न्यूज़ रिलेटेड एप्लीकेशन अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली ये एप्लीकेशन में जाइए, ऑल वर्ल्ड न्यूज़ ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपके सामने बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। जो भी एप्लीकेशन आपको पसंद है, जो भी आप फॉलो करते हैं न्यूज़, आप डायरेक्टली इसके थ्रू जा सकते हैं, आपकी न्यूज़ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो है ना दोस्तों बहुत ही इजी। इससे दोस्तों आपका बहुत सारे मेमोरी सेव हो जा रहा है फ़ोन से। तो दोस्तों मान लीजिए मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंट्रा इस तरह से बहुत सारे शॉपिंग ऐप चाहिए तो इसके लिए भी अलग सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है बहुत सारे एप्लीकेशन। सिंपली ऑल शॉपिंग ऑप्शन पर जाइए, उसके बाद दोस्तों आपकी स्क्रीन पर बहुत सारे एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। आपको अमेजोन पसंद है, आप अमेजोन से परचेस करना पसंद करते हैं तो अमेजोन चूज़ कर सकते हैं। ईबे है, शॉपक्लूज है, स्नैपडील है, मिंट्रा है, फ्लिपकार्ट है, जोबोंग है, बहुत सारे एप्लीकेशन है दोस्तों। आप यहां से कुछ भी यूज़ करके परचेस कर सकते हैं। यहां पे दोस्तों और एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं। मान लीजिए दोस्तों आपके मन में ये भी होगा कि अगर आप इसके थ्रू जाएंगे तो आपको वेब पेज के जैसा देखने को मिल जाएगा, ये एप्लीकेशन नहीं है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं। मान लीजिए अमेजोन पे आपको जाना है तो अमेजोन को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको एप्लीकेशन में जो सारे चीज़ देखने को मिल जाएगा उसी फॉर्मेट में, उसी हिसाब से दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा, कोई भी आपको अलग सा देखने को नहीं मिलेगा। तो कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आपके तसल्ली के लिए आप अमेजोन एप्लीकेशन में भी जाके देख सकते हैं, कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल दोस्तों एप्लीकेशन में जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से भी देखने को मिल जाएगा। आप साइन इन करके डायरेक्टली अमेजोन यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से कुछ भी साइट अगर आपको पसंद है, स्नैपडील पसंद है, फ्लिपकार्ट पसंद है, तो डायरेक्टली इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। कोई भी अलग सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से दोस्तों अलग अलग एप्लीकेशन अगर आप इंस्टॉल करते जाएंगे तो आपका फ़ोन का मेमोरी बहुत ही कम होता जाएगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन सारे बहुत ही मेमोरी ले जाता है आपके फ़ोन से, 30 MB 40 MB के आसपास ले जाता है। और एक खास फीचर दोस्तों ये एप्लीकेशन का आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। तो दोस्तों मान लीजिए कुछ लोग ऐसे भी है जो लाइक नहीं करते कि एक ही एप्लीकेशन में जाके बहुत सारे एप्लीकेशन चूज़ करें, तो दोस्तों आपको अलग से एप्लीकेशन चाहिए जिसे आप अलग अलग इंस्टॉल करके रखते हैं। आपको ये पसंद नहीं है कि ये एप्लीकेशन पे पहले जाना है, उसके बाद यहाँ से कैटेगरी वाइज चूज़ करके आपके फेवरेट एप्लीकेशन में जाना है, तो दोस्तों इसके लिए भी ये एप्लीकेशन आपको एक फीचर प्रोवाइड करता है, जिसके मदद से दोस्तों आप अलग से जैसे इंस्टॉल करके रखते हैं आपके एप्लीकेशन को, इस तरह से आपका फेवरेट एप्लीकेशन को शॉर्टकट करके आपके डायरेक्टली स्क्रीन पर रख सकते हैं। कोई भी ज़रूरत नहीं है पहले ये एप्लीकेशन ओपन करें, उसके बाद वो एप्लीकेशन में जाइए जो आपको पसंद है। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए दोस्तों मेनू पे जाइए, मेनू पे जाने के बाद फर्स्ट ऑप्शन क्रिएट शॉर्टकट्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों क्रिएट शॉर्टकट्स ऑप्शन चूज करें, उसके बाद दोस्तों सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप ऑल सोशल मीडिया कैटेगरी वाइज जैसे शो कर रहा था मेनू पे, इस तरह से भी दोस्तों शो करेगा। एंड होम पेज पे जो सारे बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन शो कर रहा था वो भी सारे आपको देखने को मिल जाएगा लिस्ट पर। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, तो दोस्तों मान लीजिए मुझे बारकोड स्कैनर का एक एप्लीकेशन है जो मुझे पसंद है, मैं बार बार यूज़ करता हूँ, तो दोस्तों हर बार मुझे ये एप्लीकेशन किट स्मार्ट 360 पे जाके ये बारकोड स्कैनर को चूज़ नहीं करना है, मुझे ये अलग सा चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये ऑप्शन को चूज़ करना है, उसके बाद अलाउ करना है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं स्मार्ट किट एप्लीकेशन के ठीक बगल में बारकोड स्कैनर का एक एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप ये एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा एंड बहुत ही काम का एप्लीकेशन है। एंड खास बात यह है कि दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको मिल रहा है सिर्फ 5 MB में।
अगर दोस्तों लग रहा है कि एप्लीकेशन आपका काम का है तो आप ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं डायरेक्टली प्ले स्टोर पर जाके, या लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डायरेक्टली क्लिक करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको लग रहा है कि वीडियो में दी गई जानकारी कुछ काम का है तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए ताकि उनको भी थोड़ी सी मदद मिल जाए, और ये वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और दोस्तों मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप लोगों को कैसा लगा। अगर दोस्तों आपके मन में कुछ भी सवाल है तो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा आप लोगों से डायरेक्टली बात करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर बीइंग यूनिक रिव्यू चैनल पे पहली बार आए हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और पास में देखिए बेल आइकन को दबा लाना ताकि आप नोटिफिकेशन पा सके हमारे हर आने वाले वीडियो का। तब तक के लिए दोस्तों मैं अनुरोध रहता हूँ, आप देखते रहिए हमारा चैनल बीइंग यूनिक टीवी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।